हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून दोस्तों। बात करेंगे यहाँ पे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई है। आप यहाँ स्क्रीन में देख पा रहे होंगे दोस्तों, गैर शैक्षणिक संवर्ग की भर्ती की हेतु सूचना है। और इसके अलावा एक और पोस्ट है दोस्तों, पैरामेडिकल पोस्ट के लिए है, जो कि शाह चिकित्सीय संवर्ग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन निकाले गए हैं। तो दोनों को देखेंगे वन बाई वन करके, तो वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जो दोस्त नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई अपडेट नोटिफिकेशन आपको यहां पे मिल सके। तो दोस्तों आप यहां पे देख पाएंगे, ये गैर शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी लास्ट डेट जो रहेगी 19/10/2022 रात के 12 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और ये आप एप्लीकेशन आवेदन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी अप्लाई करने जा रहे हैं। नंबर आप पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे गैर शैक्षणिक संवर्ग के कुल रिक्त पद हैं 25 पोस्ट निकाली गई है, 25 पद निकाले गए हैं, जिसमें आप देख पाएंगे सबसे फर्स्ट है यहाँ पे सीधी भर्ती चिकित्सा अभिलेख अधिकारी के एक पोस्ट निकाली गई है, और यहाँ पे ये अनारक्षित पोस्ट है, इसके बारे में आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगला पोस्ट है सोशल मेडिकल सोशल वर्कर के, यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, और यहाँ पर आप देख पाएंगे एक अनारक्षित है और एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, 2 पोस्ट। आगे बात करें तो आगे आप यहां पर देख पाएंगे सहायक सांख्यिकी अधिकारी के एक पोस्ट है निकाली गई है, जो कि अनारक्षित रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट है साइकेट्रिक सोशल वर्कर की एक पोस्ट निकाली गई है। इसके बाद स्टेनोग्राफर की एक पोस्ट निकाली गई है और यहां पे अनारक्षित है। इसके बाद यहाँ पर कोडिंग क्लर्क की 2 पोस्ट हैं, एक अन्य पिछड़ा वर्ग और एक अनारक्षित निकाली गई है। फिर इसके बाद है असिस्टेंट लाइब्रेरी लाइब्रेरियन की है एक पोस्ट, और उसके अलावा यहाँ पे कैटलागर की है एक पोस्ट निकाली गई है। इसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड क्लर्क की 2 पोस्ट हैं, स्टेनोटाइपिस्ट के 2 पोस्ट हैं, डॉक्यूमेंटलिस्ट के एक पोस्ट है, और सहायक ग्रेड 3 में कुल 6 पोस्ट हैं, और प्यून की वृत्ति की 4 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये यहाँ पे पद का नाम है, पोस्ट का नाम बताया है, और यहाँ पे वेतनमान बताया गया है, सैलरी बताई गई है, और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यताएँ बताई गई हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई हैं। तो ये आपके अनुसार जो भी आपको फॉर्म फिल करना है उसके अनुसार देख करके फॉर्म फिल कर सकते हैं, और आपके ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जो भी दोस्त अभी अप्लाई करना चाहते हैं उन तक अपडेट पहुँच जाएगी, ताकि वो भी अपडेट करके फॉर्म फिल कर पाएँ। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे दोस्तों आजकल रिकॉर्ड क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट, इन सब के लिए CPTC ज़रूर मांगता है, तो आप लोग ज़रूर इसको आने वाली एग्ज़ाम में और जो भी कंडक्ट कराई जाती है MP ऑनलाइन के माध्यम से, इसको ज़रूर पास करें, ताकि आने वाली नई वैकेंसी में आपको अच्छा रहेगा, सुगम रहेगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे सभी दूर CPT मांग रहा है, जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंटलिस्ट है, साइंस ग्रेड 3 है, यहाँ पे भी CPCT मांगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है स्टेनोटाइपिस्ट का, तो इसके बारे में बताया है, और यहाँ पे आप ये देख पाएंगे यहाँ CPT मांगा हुआ है। तो ये CPCT की अभी दोस्तों सभी तो डिमांड बढ़ रही है, तो आप लोग ज़रूर इसको करें, जो भी इस टाइप से कोर्स कंप्यूटर से संबंधित कोर्स करते हैं। तो अब चलते हैं आगे पैरामेडिकल वाली अपडेट पोस्ट को देख लेते हैं, तो वीडियो से जुड़े रहें। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे ये पैरामेडिकल पोस्ट के लिए वैकेंसी का अपडेट है, और ये 7/9/2022 को अपडेट जारी की गई है। और यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट की बात करें तो आप यहाँ से पढ़ पाएंगे, पैरामेडिकल के पदों पर आवेदन का प्रारूप MP ऑनलाइन की वेबसाइट ये रहेगी, इसके माध्यम से आप ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी, तब फॉर्म फिल कर पाएंगे, और ये दिनांक 15/10/2022 रात के 12 बजे तक अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे सारी जानकारी दे दी गई है, तो इसको आपको 1x1 करके पढ़ लेना है, भी जो भी दोस्त अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई करने जा रहे हैं। नंबर आप पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो पोस्ट निकाले गए हैं 130 पोस्ट निकाली गई है पैरामेडिकल के लिए, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है पद का नाम है स्पीच थेरेपिस्ट के लिए 2 पोस्ट है, इसके अलावा यहाँ पर 2 पद क्रमांक फिजियोथेरेपिस्ट के 2 पद यहाँ रखी गई है, और यहाँ पर जो भी आरक्षित श्रेणी है, किस कैटेगरी में कितने हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल दी गई है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि सभी को बताएंगे दोस्तों तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। इसके बाद है रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट जारी की गई है। इसके बाद है डेंटल टेक्नीशियन के लिए 4 पोस्ट जारी की गई है,
फिर है यहाँ पे डार्क रूम असिस्टेंट के लिए टोटल 3 पोस्ट जारी की गई है। इसके बाद है टीबी एंड चेस्ट डिसीज हेल्थ विजिटर की कुल 2 पोस्ट जारी की गई है। इसके बाद है लैब अटेंडेंट के कुल पद संख्या 29 है। तो दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है जो कि लैब अटेंडेंट की है अभी तक। आगे देख लेते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की आप यहाँ पे देख पाएंगे कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं। इसके बाद यहाँ पे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के तहत 19 पोस्ट निकाली गई है। और यहाँ पे प्रोस्थेटिक आर्थोटिक टेक्नीशियन की जो है 2 पोस्ट हैं। इसके बाद ECG टेक्नीशियन के 3 पोस्ट जारी की गई हैं। फिर है यहाँ पे एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट टेक्नीशियन की 2 पोस्ट जारी की गई है। इसके बाद है डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की कुल 4 पद जारी की गई हैं। इसके बाद है टेक्नीशियन असिस्टेंट की टोटल 21 पोस्ट जारी की गई है। इसके बाद है टेक्नीशियन की कुल 26 पोस्ट जारी की गई है। इसके बाद है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की कुल 2 पोस्ट जारी की गई है। इसके बाद है रिफ्रेशनिस्ट की 1 पोस्ट है। इसके बाद है रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की 2 पोस्ट जारी की गई है। अब दोस्तों अब यहाँ पे आ जाएंगे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित अपडेट है, तो यदि आपको यहाँ पे क्लियर ना दिखे तो आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के। यहाँ पे स्पीच थेरेपी के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है ये आप देख पाएंगे और ये सैलरी यहाँ पे रखी गई है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। और ये दोस्तों परमानेंट सीधी भर्ती है, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें जो भी एलिजिबल हैं। ये फिजियोथेरेपिस्ट के लिए फिजियोथेरेपी की जो उपाधि होती है BPT MPT वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। स्पीच थेरेपी के लिए जो कोर्स होता है स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन का स्नातकोत्तर या स्नातक प्रमाण पत्र और भारतीय पुनर्वास परिषद का जीवित पंजीयन, तो ये सब चीज़ें आपके लिए मांगी गई है। डेंटल टेक्नीशियन में दोस्तों यहाँ पे बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स क्लास में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण होना चाहिए डिप्लोमा, और मध्य प्रदेश राज्य चिकित्सीय परिषद की जीवित पंजीयन होना चाहिए इस तरह से है। इसके अलावा डार्क रूम असिस्टेंट के लिए बताया गया है, आप देख लीजिएगा आपके अनुसार जो भी अप्लाई करना चाहते हैं। TB एंड चेस्ट डिसीज हेल्थ विजिटर के लिए यहाँ पे MPW LHB NM हेल्थ वर्कर का अनुभव और एडुकेशन हेल्थ एडुकेशन में उच्च शिक्षा अथवा TB हेल्थ विजिटर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जो भी है डिग्री डिप्लोमा आपके पास में होने चाहिए। लैब अटेंडेंट की यहाँ पर आपके पास में बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसके अलावा फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की तो यहाँ पे 10+2 प्रमाण के साथ में फार्मासिस्ट की डिग्री होना चाहिए और मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास में मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय का जीवित पंजीयन होना चाहिए और फार्मासिस्ट के लिए अच्छा मौका है, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। प्रोथेस्टिक टेक्नीशियन है, ECG है, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा जो भी अप्लाई करना चाहते हैं 1x1 करके आपका जो भी क्वालिफिकेशन है। और यहाँ पे वेतनमान से संबंधित अपडेट है जैसे कि आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे दोस्तों। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमारे वीडियो के द्वारा, या तो आप वेबसाइट में भी जाएंगे जिस नाम से यूट्यूब चैनल है www.inc.indore.com, इसी नाम से आपको वेबसाइट मिल जाएगी। www.inc.indore.com में जाएंगे और वहाँ से आप हमसे व्हाट्सएप नंबर में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि आप लोग अपना नंबर कभी कोई भी कमेंट बॉक्स में ना छोड़ें, क्योंकि गलत हाथों में आपका नंबर जा सकता है और आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है, तो इसलिए प्लीज़ अवेयर रहें। और आप हमसे कॉन्टेक्ट करने के लिए प्लीज़ वेबसाइट के थ्रू व्हाट्सएप में जाएँ और वहाँ से आप प्राप्त करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।